नमस्कार, आप देख रहे हैं सीएमएन न्यूज। मैं हूं आपके साथ कनिका। तो चलिए शुरुआत करते हैं कुछ अहम खबरों के साथ। मुरादाबाद में मूंधा पांडे टोल प्लाजा पर पहले से प्रस्तावित किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं ने बड़ी संख्या में पहुंचकर केंद्र सरकार द्वारा पास किए गए 3 कृषि बिलों के खिलाफ नारेबाजी करते हुए टोल प्लाजा को 15 मिनट तक आने जाने वाले वाहनों के लिए फ्री करके सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए केंद्र की मोदी सरकार से मांग की है। जो केंद्र सरकार ने 3 कृषि बिल पास किए हैं, केंद्र की मोदी सरकार जल्द ही वापस ले। ऐसी सूचना मिली है कि शायद यहाँ पर किसानों का टोल फ्री कराने का कार्यक्रम प्रस्तावित हो सकता है, इसलिए पुलिस प्रशासन और प्रशासन की पूरी तैयारी है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, काफ़ी भारी मात्रा पर फोर्स भी डिप्लॉयड है, और इसके अतिरिक्त सामान्य वर्दी में जो आप देख पाएंगे बहुत सारे राजस्व और विकास विभाग के कर्मी भी मौजूद हैं। तो तैयारी पूरी है, परंतु अभी बातचीत से ही कोशिश की जा रही है कि बातचीत से ही सभी मामला हल हो जाए और किसी भी प्रकार का कोई व्यवधान यातायात को ना पहुंचे। किसान संगठन बॉर्डरों पर धरना चल रहा है किसान यूनियन का। ये जो सरकार ने बिल करे हैं ना पास किसानों के विरोध में, तो किसान ये काले बिल मान रहा है और ये बहुत ही ज़्यादा गलत है। किसानों के लिए बिल नहीं है तो डेथ वारंट है। अच्छा, जिस तरीके से आपने टोल प्लाजा पर कोई हंगामा तोड़फोड़ की थी। नहीं, कोई देखिए, हमारा कोई भी आंदोलन हंगामे का नहीं होता, शांतिपूर्वक होता। हम लोग जो है देश के किसान हैं, कोई हम आतंकवादी या झगड़ालू तो है नहीं। हम तो किसान हैं, अपनी मांग शांति से ही मंगवा सकते हैं, ना कि झगड़े से। अच्छा, क्या मांगे हैं आप? पुलिस फोर्स जो लगाई गई है, तो किस तरह का आपके बीच में वार्ता हो रही है? देखा अभी तो इस वार्ता में क्या निकला कि शांतिपूर्वक धरने? नहीं, निकलना नहीं है। देखिए पुलिस क्या, इसके बाद आप धरने पर भी कहीं बैठेंगे? देखिए भाई साहब, पुलिस क्या कह रही है, प्रशासन क्या कह रहा है, उसका कहने का काम है। हमारा काम जो करने का है, हमारा ऊपर से आदेश है कि आप टोल प्लाजा पर जाइए, उसको फ्री कराइए, उसको रोकिए। वो लोग हम कर रहे हैं, उसी को करने हम लोग आए हैं। टोल प्लाजा फ्री हो गया है या आप विफल रहा? यार टोल प्लाजा क्या, हमारा कार्यक्रम आज तक कोई विफल नहीं हुआ, ये कैसे विफल हो जाएगा? टोल प्लाजा फ्री है और क्या, बिल्कुल एकदम पक्का। अच्छा, क्या मांगे थी आपकी सरकार से जो अभी तक सरकार नहीं सुन रही है? पिछले 15 दिन से आप धरने पर बैठे हुए हैं दिल्ली के अंदर। देखिए, हमारी सबसे बड़ी मांग तो है MSP को गारंटी किया जाए। जो MSP हमारा ये जिससे रेट पे ये खरीदारी होती है, सरकार MSP हमारे लागू करती है, तो उस लागू को ये कानून बनाए। और उससे ज़्यादा सबसे बड़ी बात यह कि MSP सरकार तय कर रही है, उस पर कहीं खरीद नहीं होती। मात्र पूरे देश में 6% किसानों को उसका लाभ मिलता है, बकाया जो है 94% किसान इससे वंचित रहता है। अच्छा, अगर आपके मांगे सरकार नहीं करती है पूरी, तो क्या आगे उग्र आंदोलन या किस तरीके का आंदोलन करेंगे? ऐसा है, 14 तारीख में हमारा पूरे देश में यह है कि मुख्यालयों को घेराव किया जाएगा, उन्हें 1 दिन का वो दिया जाएगा, क्या नाम है, ज्ञापन। हम लोग लगे हुए हैं, जैसे ही हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो भी दिशा निर्देश करेंगे हम उसका पालन करेंगे। चलो, उन्होंने भी कहा किसानों को बता देते हुए कि हम रेलवे का चक्का जाम कर देंगे अगर किसानों की बात नहीं मानेंगे, तो क्या आपके साथ रेलवे चेयरमैन भी आपके साथ हैं? भाई, देखिए, रेल क्या, किसान क्या, ट्रक एसोसिएशन है, कोई चीज़ ऐसी नहीं बची हुई है। कोई सी पार्टियाँ भी हमको लोग समर्थन देने आ रही हैं, और सरकारी कर्मचारी भी हमको समर्थन देने आ रहे हैं। ऐसा कोई बंदा नहीं बचा जो इसके विरोध में हो, सब लोग इसके समर्थन में खड़े हुए हैं। अच्छा, कितनी देर आपने टोल प्लाजा है फ्री कर रखा था, ये बताइए। भाई साहब, प्लाजा तो अगर ये है कि 10-20 मिनट का काम है, उसको हम करेंगे, कर रहे हैं, बकाया वैसे 11 से 3 बजे तक का प्रोग्राम था हमारा। ये ठीक है।